हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंट पार्ट्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें मौजूद जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं हम उन्हें भी पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वैदिक एकेडमी। चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें इसी तरह के और वीडियोस बनाने में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रियम्बल को, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको प्रियम्बल मिलेगा। तो प्रियम्बल क्या होता है और क्या क्या होता है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग क्या होता है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था अच्छे से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लें। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पार्ट वन, ठीक है, जो डिफरेंट पार्ट्स थे। तो पार्ट वन में किसके बारे में पढ़ाया गया है, हमें किसके बारे में बताया गया है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो हमारा जो देश है वो कैसा होगा और इसके जो टेरिटरी यानी इसका एरिया जो है और इसमें जो आने वाले डिफरेंट स्टेट्स हैं वो कैसे डिफाइंड होगा, ये पार्ट वन से पता चलता है, ठीक है। तो पार्ट वन में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स वन से लेकर फोर तक पार्ट वन में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इन डिफरेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं, इनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले आर्टिकल वन में आते हैं। तो आर्टिकल वन में क्या लिखा है, आर्टिकल वन में लिखा है कि इंडिया और भारत, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया को दो नाम दिया गया है, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत, ठीक है, इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्योंकि इससे SSC CGL में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आपको ऑप्शन देगा कि इंडिया क्या है, ठीक है, और उसमें फिर दिया रहेगा इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट, इट्स अ फेडरेशन, एक ऑप्शन रहेगा भारतवर्ष, ठीक है। ऑप्शन भी यही रहते हैं, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है ना, एकदम मैं सेम ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मारना है ये फेडरेशन नहीं है, एक ऑप्शन हो सकता है रहेगा क्वाजी फेडरल, ठीक है। तो एक तरह से क्वाजी फेडरल है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से मतलब एकदम देखें कि लिखा हुआ है क्या एग्जैक्टली, एग्जैक्ट वर्ड्स, तो एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखा है इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में मतलब कि हम स्टेट से बने हैं, लेकिन इसमें स्ट्रांग जो है वो सेंटर है, वो यूनियन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। इसलिए इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया को दो नाम दिया गया, इंडिया और भारत, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वन में मेंशनड है, ठीक है। अब हम बात करें टेरिटरी की, कि इंडिया की जो टेरिटरी होती है यानी एरिया होता है वो क्या क्या को इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो इंडिया का टेरिटरी इंक्लूड करेगा जितने भी स्टेट्स होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जितने भी यूनियन टेरिटरी होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की, हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, डिफरेंट 7 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो ये सारे के एरिया को इंक्लूड करेगा। इसके अलावा जो भी अदर और स्टेट्स जिसको वो डिफरेंट मेथड से एक्वायर करे, ठीक है, वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो कैसे एक्वायर कर सकता है, वो आर्टिकल 2 और 3 में मेंशनड है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई देश हमारे देश में आना चाह रहा है, ठीक है, जुड़ना चाह रहा है, तो वो जुड़ सकता है, ठीक है, और उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट के लॉ के पास करने के बाद हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ये एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी, यानी अगर नया एरिया को एडमिट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूनियन शैल डिसाइड द बाउंड्री एंड नेम ऑफ द न्यू स्टेट अक्वायर्ड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टेट्स जो डिफरेंट होते हैं उनके पास पावर नहीं है, यूनियन डिसाइड करेगा। सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि नेपाल, मान लीजिए कि इंडिया में आना चाह रहा है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो वो हम फिर वो हमारी यूनियन को कॉन्टैक्ट करेगा, और फिर हमारा जो यूनियन यानी पार्लियामेंट जो है वो सिंपल एक सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड करेगा कि जो हमारा न्यू स्टेट आएगा उसका नाम क्या होगा, उसका बाउंड्री क्या होगा, ठीक है। और ये सारे जो भी न्यू स्टेट अक्वायर हो रहा है इसके लिए आर्टिकल 2 में मेंशनड है, ठीक है। अब आर्टिकल 3 में आ जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में सेम चीज़ है, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए, मान लीजिए हमारे जो देश में 29 स्टेट्स मौजूद हैं, इनका बाउंड्री और इनका नाम क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा यूनियन, ठीक है, ये स्टेट नहीं डिसाइड कर सकता है जो भी बाउंड्री है। इसलिए जब तेलंगाना आंध्रा में डिस्प्यूट हो रहा था, या फिर बिहार झारखंड में जब भी, या फिर उत्तराखंड और जो भी स्टेट अलग होना चाहते हैं अपने स्टेट से, तो वो आपस में MLA लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करके नहीं पास हो सकते हैं, उनको पार्लियामेंट के पास जाना होगा, और पार्लियामेंट ही इनको अलग कर सकती है, इनका बाउंड्री डिसाइड कर सकती है, इनका नेम डिसाइड कर सकती है, ठीक है।
ये यूनियन के पास पावर होता है। तो आर्टिकल 2 में और 3 में क्या अंतर है? आर्टिकल 2 में कोई नया टेरिटरी इंडिया में ऐड हो रहा है तब उसके लिए है, और आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो हैं इंडिया में उसके लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है ये देखते हैं। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंज ऑफ नेम और बाउंड्री हो रहा है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कीवर्ड है, इसका मतलब हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, यानी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करते हैं, वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी पाना पड़ता है लोकसभा में, और फिर राज्यसभा में भी पास करना पड़ता है, ठीक है। जबकि अगर हम बेसिक एक लॉ पास करते हैं तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी पास करना चाहिए, मतलब जितने भी प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उसके सिर्फ आधा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो पास हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी मतलब नेम और बाउंड्री वाला ये जो एक तरह से कह सकते हैं लॉ आएगा, वो सिंपल मेजॉरिटी से लाने की ज़रूरत है, ठीक है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। वो लॉ जो होगा सिंपल एक लॉ होगा नाम चेंज करने का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से लाया जा सकता है पार्लियामेंट में, तो ये आर्टिकल 4 में मेंशनड है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कितना कॉम्प्रिहेंसिव हम एक एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में ये सब हो रहा है तो उसके लिए भी हम एक आर्टिकल 4 अलग बना के रखे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि आर्टिकल 2 और 3 कैसे होगा, ठीक है। तो कितना कॉम्प्रिहेंसिव हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसी से पता चलता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसमें हमने जो डिफरेंट 4 आर्टिकल्स थे पढ़े, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, सबसे पहले कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद ये मत सोचिए कि ये फेडरेशन है, क्वाजी फेडरल है, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 2 में हमने देखा नए टेरिटरी को ऐड करने के लिए, और एग्जिस्टिंग स्टेट्स का बाउंड्री चेंज करना है तो आर्टिकल 3 से, ठीक है। और आर्टिकल 4 में ये दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 1 समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में होगा। इसके अलावा हम सिटीजनशिप एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें पेटीएम पे सिर्फ 11 रुपये देकर सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।